गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर साइंस ऑनलाइन क्लास. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अप टू साउंड फोर्स. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन क्विक स्क्रॉल. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. हम किसी चीज़ को कब देखते हैं, जब उस पर क्या गिरती है, लाइट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स गिव लाइट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हमें लाइट देते हैं, जैसे कि टॉर्च, बल्ब. बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डज नॉट गिव आउट लाइट, जैसे पेंसिल है, टेबल है. अब है, व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक. जब लाइट का रास्ता ब्लॉक किया जाता है बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से, तो क्या फॉर्म होता है, शेडो. एक्लिप्सिस आर फॉर्म व्हेन द मून और द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट. अब आपको पता है कि सन बीच में होता है, उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ के रिवॉल्व करता है मून. तो कोई भी एक्लिप्स, जिसको ग्रहण कहते हैं, वो कब होता है, जब मून या अर्थ में से कोई भी सूर्य की लाइट को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, चक्कर लगाते लगाते. सम साउंड्स आर प्लेजेंट एंड सम आर नॉट. कुछ आवाज़ें प्लेजेंट होती हैं, दैट मीन्स वो कानों में सुनने में अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती. फिर अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. तो अब है कि फोर्स क्या है, कोई भी पुश या खींचना या धक्का देना क्या है, फोर्स. नाउ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स विच गिव आउट लाइट, जो हमें लाइट देती हैं, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. एक्लिप्स शेडो ऑफ द अर्थ और मून, और मून ऑन द अर्थ. किसी भी चीज़ की छाया पड़ना, ऑफ द अर्थ, अर्थ की छाया मून पे गिरना या मून की अर्थ पे. नॉइज़, अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़. फोर्स, पुल और पुश विच मूव्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. नाउ प्रैक्टिस सम जोन. द मेन सोर्स ऑफ द लाइट ऑन द अर्थ इज मून भी है, स्टार भी है, सन भी है. तो कौन है इनमें से, लेकिन हमसे पूछा गया है कि मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ में जो मेन लाइट है वो किससे मिल रही है, मून से, स्टार से या सन से. तो हमें जो मेन सोर्स ऑफ अर्थ पे कौन है, आपका सन है, जो हमेशा आपको रोशनी देता है. अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. फ्रिक्शन डैश द मूवमेंट्स. अब हमने पढ़ा था फ्रिक्शन. फ्रिक्शन यानी क्या था, घर्षण. उससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फ्रिक्शन होता है, यानी घर्षण बल होता है, यानी क्या होता है, फोर्स लगता है, तो उसके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या होती है, कम हो जाती है. ऐसे तो कोई भी ऑब्जेक्ट भागे जा रहा है, लेकिन अगर उसमें फ्रिक्शन है, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट में और इस टेबल के बीच में अगर कोई फोर्स है, तो उससे क्या होगा, हमारी ये जो बुक है इस टेबल पर आसानी से क्या होगा, मूव करेगी. अदरवाइज ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी. लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ये आसानी से यहाँ से धीरे धीरे ये स्लिप नहीं करेगी. जैसे कि अगर हमारे शूज़ पे हैं, अगर चिकने शूज़ हैं, तो वो क्या होता है, आसानी से फिसल जाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता. लेकिन हमारे जूते के और हमारे फर्श के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स है, तो हम आसानी से चल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ शेडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द. अब जो शेडो है वो हमेशा कहाँ होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उल्टी दिशा से जब लाइट पड़ती है. द डैश रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, हमारी अर्थ. अब है डैश पॉल्यूशन कैन डैमेज आवर ईयर्स. कौन सा पॉल्यूशन हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है, साउंड पॉल्यूशन. डैश कैन चेंज द एन ऑब्जेक्ट. तो जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है. व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट देती हैं वो क्या होती हैं, ल्यूमिनस. व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस. जो लाइट नहीं देती वो नॉन ल्यूमिनस. हाउ इज शेडो फॉर्म. शेडो कब फॉर्म होती है, जब कोई भी लाइट के वे में, कोई भी लाइट के वे को, रास्ते को ब्लॉक करता है, तो शेडो फॉर्म होती है. व्हाट इज़ लूनर एक्लिप्स. हाउ इज़ इट फॉर्म. अब है लूनर यानी आपका चंद्र ग्रहण कैसा होता है, हाउ इज़ इट फॉर्म. तो आपको बताया था यहाँ सन है, यहाँ पे अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, फिर यहाँ पे कौन है, आपका मून है. तो जब ये चक्कर लगाते लगाते, एक बार आप पिक्चर में इसको फिर से आसानी से समझ सकते हो लूनर एक्लिप्स को. यहाँ देखिए सन है, ये हमारी अर्थ है. तो जब क्या हो रहा है, आपको पता है मून इसके सामने चक्कर लगा रही है. जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो जब ये चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे बीचों बीच आ जाती है, तो क्या होता है, जो लाइट है वो मून पे नहीं गिरती. जो सन की लाइट है वो मून पे नहीं गिरती, और मून पूरी तरह छिप जाता है. तब तो कौन सा एक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण, क्योंकि चाँद पे सूर्य की लाइट नहीं गिर रही. और सोलर एक्लिप्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या हो रहा है, अब ये सन है और ये आपका अर्थ है. अब ये तो सन चारों तरफ अर्थ के लगा रहा है, मून इसके तरफ चक्कर लगा रहा है. तो चक्कर लगाते लगाते जब ये बीच में आ गया, यानी सन और अर्थ के बीच में जब मून आ रही है, तो सन की लाइट अर्थ पे नहीं गिर रही है ना. तो क्या होगा, मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन, इसके ऊपर अर्थ पे नहीं आ रही. तो ये कौन सा एक्लिप्स हो गया हमारा, सोलर एक्लिप्स.
डिफाइन द फॉलोइंग. अब एक्लिप्स है, एक्लिप्स क्या होता है अभी बताया था. एक्लिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मून और द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट. नॉइज़ क्या है, कोई भी साउंड जो आपको कानों में सुनने में ना अच्छी लगे, अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़. नेक्स्ट इज फोर्स, एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करता है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स डेवलप होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बट स्टिल इट अपीयर्स ब्राइट, डिस्कस द रीजंस फॉर दिस. ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ये है, व्हाई डू स्पोर्ट्स शूज हैव सोल्स मेड ऑफ रफ लेदर. तो जो स्पोर्ट्स शूज़ है उसमें रफ़ लेदर के इसलिए बने रहते हैं ताकि फ्रिक्शन क्या हो सके, अगर उसमें ज़्यादा अगर रफ़ नहीं होंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, इसलिए उसके जो सोल है उसको रफ़ बनाया जाता है ताकि दोनों के बीच में, जूते के बीच में और जो स्पोर्ट्स जैसे भाग रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन को स्लो कर सकें. व्हाट विल बी द कलर ऑफ़ योर शेडो इफ़ यू आर वियरिंग रेड क्लोथ्स. कोई भी अगर हम क्लोथ्स पहनेंगे तो भी ऑलवेज हमारी शेडो का कलर ब्लैक ही रहेगा. ओके एंड विद दिस वी फिनिश आवर लेसन. ओके थैंक यू.